दर्शकों नमस्कार, खुली चर्चा या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत। आज खुली चर्चा या कार्यक्रमात आज आपण नगरसेवक तौफिक शेख यांना निमंत्रित केले। खरं तर त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष कायमच लागून राहिलंय, कारण आपण पाहतोय की अलीकडच्या काळामध्ये जी MIM त्यांनी वाढवली होती, ज्या MIMचं संघटन या सोलापूर शहरात उभं केलं होतं, त्या MIMपासून तौफिक शेख हे वेगळे झाले आणि आज खऱ्या अर्थानं ते राष्ट्रवादीच्या वाटेवर आहेत। नेमकं त्यांनी MIM का सोडलं आणि राष्ट्रवादी का निवडली हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याविषयीची आपण चर्चा करणार आहोत एकंदरीत, आणि त्यानंतर पुढची जी भूमिका त्यांची आहे तर ती कशा पद्धतीची आहे आणि नेमकं MIMच्या संदर्भामध्ये तौफिक शेख यांच्या बाबतीत काय घडलं आज खरं तर जाणून घ्यायचं आहे। प्रत्येक वेळेला आम्ही त्यांच्या संपर्कामध्ये होतोच आणि आज अखेर आपण असं म्हणू की त्याची एक सुरुवात झाली। तौफिक भाई, आपलं स्वागत या चर्चेमध्ये। आणि आपण सुरुवातीलाच असं म्हटलं की जी MIM तुम्ही वाढवली, खरं तर म्हणू आपण एक MIM आणि तौफिक भाई शेख असं एक समीकरण होतं, सोलापुरामध्ये MIMचं मोठं संघटन तुम्ही उभारलं आणि शेवटी मग जो पक्ष एवढा सगळं वाढवला आणि संघटन त्याचं निर्माण केलं तोच पक्ष सोडावा, एक अशी तुमची मानसिकता का झाली? म्हणजे पहलवान MIM पर खपा क्यों, हाच प्रश्न आहे। समय पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपने हमें खुली चर्चे में बुलाया, मैं आपका आभार मानता हूँ। अभी आपका सवाल ये है कि MIM पर खपा क्यों है। अभी देखो, हर पार्टी में कोई कार्यकर्ता नगर सेवक अध्यक्ष रहता, वो काम करता, वो सबके उसमें जिस तरह पदाधिकारी का सहकार्य होना, कार्यकर्ता का सहकार्य होना, तो 2014 में विधानसभा का इलेक्शन था, उस वक्त मैं अपक्ष खड़ा होने वाला था, फिर हमारे कुछ दोस्तों में रिश्तेदारों में राय मशवरा हुआ, चर्चा हुई कि हमें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना है अपने समाज के, अपने शहर के, अपने विकास के लिए, तो एक व्यक्ति होना। तो फॉरेस्ट भाग के अंदर हमारे सभी जो दोस्त बिरादर है कार्यकर्ते सबकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद हम चर्चा करें कि विधानसभा इलेक्शन लड़ाना है, तो सबका फिर जितना शहर मध्य का मतदार संघ आता सब जगह मैं फिरा, हमारे दोस्त कार्यकर्ते सब फिर कर सबके जमात वाले की, जिम्मेदार वाले की, मोहल्ले में जो जो जिम्मेदार लोग रहते सबका राय मशवरा हुआ, चर्चा हुई। तो वो बोले कि भाई हम तुमको सपोर्ट देंगे, आप खड़ा हो लेकिन पीछे नहीं हटने का, ऐसा कुछ लोग कंडीशन रखे। उस वक्त मैं उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप हमें कब साथ दो, जब फॉर्म भरने का है, फॉर्म भरा जाता, जब फॉर्म निकालने की आखिरी डेट होती है, तो अगर मैं फॉर्म अगर सब वापस नहीं लिया, पीछे नहीं हटा, इसके दबाव में नहीं आया, लालच में नहीं आया, तो आप मुझे साथ दो। ऐसा बोलने के बाद जब फॉर्म भरा गया, फिर जब फॉर्म पीछे लेने का जो डेट ख़त्म हुई, उस वक्त कई लोग तो मुझे साथ दिए थे, फिर सभी लोग एकदम खुला आकर ओपनली मुझे साथ दिए। जो जो लोग मुझे साथ दिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार मानता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह दोस्त बिरादर कार्यकर्ते जमात के लोग, जिम्मेदार लोग, मोहल्ले के लोग, मस्जिद के ट्रस्टियान सब एक दिल से एक होकर सपोर्ट देने के बाद ही इंसान आगे बढ़ता है और इतना बड़ा मतदान पड़ता है। तौफिक भाई, ही जी लोकांचं जे संघटन आहे, खास करून युवक वर्ग तुमच्या पाठीशी आहे, याचं एक कारण तुम्ही काय पाहिलं? आपण तर बघतोय एक मोठं तुमचं सामाजिक कार्यसुद्धा आहेच आहे, बरोबर? तर हे जे सगळं संघटन आहे, आज जे सगळे लोक तुमच्या पाठीशी आहेत, त्यांची भूमिका काय राहिली? आणि ज्या वेळेला तुम्ही म्हणता की 2014 एवढं माझ्या पाठीमागं लोक होती, त्या लोकांची एक मानसिकता काय होती, कुठली एक अन्यायाची भावना त्या लोकांच्या मध्ये होती जी आजही कायम आहे? आज देखो, आज तकरीबन 20-25 साल से ता सोशल ग्रुप के माध्यम से जो सामाजिक संस्था है हमारी ता सोशल ग्रुप, मैं आरिफ भाई हो, हमारे कोई नाते वगैरह दे, दोस्त रहेंदे फॉरेस्ट के, मोदी के, लश्कर के, हमारे जितने भी लोग हैं शास्त्री नगर के रहेंदे, ये सभी लोग मिलकर जो ता सोशल ग्रुप हम चालू करे और हमारा राजपक्ष एक भी इसके अंदर, तो चालू करने के बाद ना हम सामाजिक कार्य करते करते फिर आरिफ भाई 2002 में इलेक्शन लड़े, ताता कोटे साहब, शिंदे साहब ने आरिफ भाई को ऑफर दिया कि भाई तुम्हारे ताज फैमिली में से एक व्यक्ति तुम दो जो हम नगर सेवक बनेंगे, साथ देंगे, तुम भी हमारे काम करो, हम तुम्हारे काम करते। फिर 2002 में राजकीय समीकरण में बोलो राजकीय इसके अंदर हमारा प्रवेश हुआ, तो मैं रियाज भाई उन्हें करी हम सब जो मिलकर, तो आरिफ भाई को बोले कि फॉरेस्ट भाग से आप ठहरो, हम आपके साथ है, हम दूसरा व्यापार धंधा करेंगे, तुम राजकरण करो, बोल को
जहाँ हमारे सभी दोस्त रिश्तेदार मिलकर आरिफ भाई को जो राजकारण मिले और वहाँ से हमारे राजकीय कारकिर्द शुरू हुई। फिर उसी के वक्त 2003 में फिर हमारा ताज सोशल ग्रुप का जो रजिस्टर 2004 में हुआ था, लेकिन 2003 के बाद ही हमारा सामाजिक काम शुरू हुआ था सोशल ग्रुप के माध्यम से। तो इसमें हमारे युवक वर्ग दोस्त सब जुड़ते गए। तो आज मैं आपको ये कहूँगा, ताज सोशल ग्रुप की जो शाखा है सोलापुर शहर में नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर है। ये लोगों की चाहत है, मोहब्बत है, जज्बा है, जिसमें ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से हमारा सभी अच्छा काम होता है। सामाजिक काम हो, दवाखाने का मसला, हॉस्पिटल का मसला, या लोगों की समस्या छुड़ाना, जो अपना मोहल्ले के झगड़े मिटाना, मियाँ बीवी झगड़े मिटाना, या ब्लड डोनेशन कैंप लेना, आरोग्य शिविर लेना, खतना कैंप लेना, साड़ी वाटप, धान्य वाटप, ऐसे जो भी सामाजिक उपक्रम है, ये ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से हम लोग लेते गए और लोग हमसे जुड़ते गए। ये लोगों की एक मोहब्बत थी, चाहत थी, एक जज्बा था। आणि आज हे सगळे जनसमर्थन कायम आहे असं वाटतं? कायम आहे, थोडं बहुत नाराज रहते है। हर इंसान का पर्सनली व्यक्तिगत रहता है, कोई नाराज हुआ, कौन बोलते हैं भाई हमको आप हमें साथ नहीं दिए, भला नहीं करे, नौकरी नहीं दिए, काम को नहीं लगाए, ये थोड़े बहुत जो रहते हैं नाराजी है, नाराजी जायज है। अरे तौफिक भाई, खरं तर तुमचं जे कार्य आपण पाहतो ते खरं तर म्हणजे सर्व धर्मासाठी, सर्व समाज घटकांसाठी तुमचं कार्य आम्ही पहिल्यापासून बघत आलोय। सर्व समाज घटकांसाठी तुमचं काम आम्ही पहिल्यापासून पाहिलेलं आहे। बरोबर। अशा वेळेला मग MIM पक्षाची निवड तुम्ही केलेली होती, तर त्यावेळेला एक विचार काय होता म्हणजे ज्याला MIM तुम्ही निवडला? मैं आपको क्या बोला कि जब विधानसभा लड़ाने का हमारी सोच हुई तो मैं तो खड़ा होने वाला था अपक्ष। फिर कुछ लोग बोले कि MIM पार्टी जो है ये हैदराबाद की पार्टी है, मुस्लिम समाज की पार्टी है, ये इसमें लोगों में लोग चाहते हैं असर साहब को, अकबर साहब को, तो अगर उस पार्टी से आप खड़े होंगे तो अच्छी बात है। बोलकर बोलने के बाद फिर हम अप्रोच हुए वहाँ पर, वो नांदेड़ के शहर अध्यक्ष थे इनो मोहिन सैयद साहब, फिर उनसे हमारी चर्चा हुई, बात हुई। फिर एक पिरजारी साहब बोलकर हमारे दोस्त है, पूना वाले उद्योगपति है, वो भी उनके संपर्क में थे मोहिन सैयद के, अकबर साहब के। तो ऐसा चर्चा होते होते तो मेरा इरादा था अपक्ष चढ़ने का, लेकिन हमारे कुछ लोग की सोच थी कि एक पार्टी का सपोर्ट होना बोलकर फिर MIM पार्टी चुने। फिर हैदराबाद के निरीक्षक जो है सोलापुर में आए, पूरा सर्वे करे, प्रथम होटल में मीटिंग भी, मेरी मुलाकात लिए उन्होंने। तो मुलाकात में मेरे को तो ये बोला गया था कि देखो इच्छुक लोग जो 5-6 लोग आए, अगर हमारे पार्टी के वरिष्ठ पार्टी के नेता अगर तुमको टिकट नहीं देंगे तो तुम क्या करेंगे? तो मैं उनको जिनसे लोग को मैं एक ही सवाल किया कि भाई देखो, मैं हमारे लोग को जबान दिए से कि अगर आप टिकट नहीं दिए तो भी मैं आपके से खड़ा होने वाला, ऐसा मेरा सवाल था उनको, ऐसा मेरा जवाब भी था, उत्तर भी था। तो वो हिसाब से उन्होंने सर्वे करके कि भाई ये टॉपिक से जो कुछ भी रहें दे, एक कार्यकर्ता है, अच्छा आदमी है, डेरिंगबाज है, चलो इनको चांस दो, संधि दो बोलकर असद साहब, अकबर साहब ने मीटिंग ली। और 14 में से इलेक्शन के 2-3 महीने पहले अपने होम मैदान पर बड़ी सभा हुई अकबर साहब की, अकबर साहब की। तो बड़ी सभा में सभी लोग को मैं जमा किया, पूरे शहर के, ज़िले के, और उनका असद साहब, अकबर साहब का एक नाम है, एक भाषण में एक जज्बा था, लोगों के और से उनकी तड़प है, वो लोगों को मालूम था। फिर इसलिए जब उनकी सभा होने लगी बोलकर हम सब लोग को दावत दिए शहर में, ज़िले में। तो जो हमारी सभा सक्सेस हुई, तो सभा सक्सेस होने के बाद उन्हें गारंटी हुई कि तौफिक शेख हमारे पार्टी का काम कर सकता है और इलेक्शन के लिए दावेदार है, अच्छा आदमी, बल्कि मेरे को उन्होंने चांस दिए, टिकट दिए। तो मग त्याच्यानंतर काय झालं? आता तो आता मूळ प्रश्न तो येतो की पहलवान MIM पर खपा क्यों आहे? हे मुख्य प्रश्न तोच आहे की मग शेवटी आज एवढं झालं, सगळं झालं, पक्षाने सुद्धा त्याला तुमचा विश्वास दाखवला होता, दाखवलं, मग यानंतर मग पहलवान खपा क्यों झाले सगळ्या त्या MIM वरती आज एवढ्या प्रमाणात तुमचा राग काय? राग म्हणण्यापेक्षा मी नाराजी म्हणेन, नाराजी अभी कुछ अंदर की बात आहे, वो खुलकर मी मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन नाराजगी की कोई वजह होगी? नहीं देखो, जैसा कैसा रहता है, अगर आप इतना देखिए पार्टी छोड़ने के फैसले पर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी इसके अंदर होगी। नहीं, तो यही एक सामने लाना है लोगों के सामने, कि लोगों को लगता है ऐसे कि इसके पीछे का एक कारण क्या है कि अगर पार्टी इंसान छोड़ता है। नहीं अभी कैसा, वो भी शहर अध्यक्ष जो पार्टी के वो छोड़ते हैं। नहीं कैसा रहता है मालूम क्या, अभी इसमें मेरी तकदीर बोलने का, जो 2019 में मैं यहाँ नहीं था, केस हुई,
या किसका प्लानिंग था, साजिश थी, वो अल्लाह को मालूम। लेकिन वहाँ मेरे मुकद्दर में नहीं था कि विधानसभा लड़ाने का, वो बात हुई। लेकिन कदाचित विधानसभा निवडणुकीला असला असता तर काही आणखीन एक वेगळं चित्र आपल्याला इथं दिसलं असतं कदाचित। तो MM पार्टी में था तो काम भी हमारा अच्छा चल रहा था। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, जो उसके पदाधिकारी कार्यकर्ते जो उसकी टीम रहती है वो टीम का सपोर्ट सहकार अच्छा अच्छा रहना पड़ता। और मेरे को सोलापुर के जो कार्यकर्ते हैं, जो लोग हैं, जो MM के फेवर के रहने दे, चाहे हमारे कार्यकर्ते रहने, चाहे पदाधिकारी रहने दे, उनका तारीफ कितनी भी की जाए कम है। क्योंकि उन्होंने मुझे 2014 से लेकर 2021 तक अभी तक जो साथ दे रहे हैं, वो उनको जितने भी तारीफ की जाए कम है। और हर जो कलेक्टर साहब के पास निवेदन देने का रहता था तो हम पूरा मोर्चा निकालते थे, पूरी टीम हमारी आती थी, पदाधिकारी कार्यकर्ते या हर एरिया के लोग आते थे। कमिश्नर महापालिक कमिश्नर पास निवेदन देने रहता तो वहाँ भी आते थे। जहाँ भी मतलब समस्या अड़चन आती थी, जो मुस्लिम समाज पर, दलित समाज पर जुल्म जाती होती थी, तो हम निवेदन देते थे, सब मिलकर हम जो साथ देते थे, सब मिलकर हम अच्छा काम करते थे। अब नाराजी बोल तो क्या हुआ, अभी अगर मैं खुलासे वर दूंगा तो दूसरे पार्टी के लोग उसमें जो है टिका टिप्पणी करे बोलकर ऐसा तो बोलेंगे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जो 2016 में मेरे पर एक साथ दो केस हुए, नहीं फॉरेस्ट भागामध्ये 2016 माझ्या दोन केस झाले, ते पण खोटे होते। हां, ते देवाला माहीत आहे की मी गुन्हा केला नाही केला, कोणाला हात लावलो नाही लावलो, लेकिन राजकारणामध्ये असल्यामुळे, MM पार्टीमध्ये असल्यामुळे काही दुसरे पार्टीचे नेतेगण मला जाणूनबुजून खपवले, माझ्यावर खोटी केस केले। व 2017 पण निवडणुकीच्या वेळेस जेव्हा रॅली चालली होती, त्याच वेळेस तेच काही नेतेगण समोरच्या पार्टीला उचकावून दगडफेक करायला लावले, व त्यावेळेससुद्धा माझ्यावर दोन खोटी केस झाले। कोण येते नेतेगण तौफिक भाई? हाय, ते सोलापूर शहराचे आहे, जिल्ह्याचे आहे, महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव आहे, पूर्ण देशामध्ये त्यांचं नाव आहे। त्याने माझ्यावर अन्याय केलेला आहे। 2016 दोन केस, 2017 दोन केस, असे चार खोटे केस माझ्यावर झाले। काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलं हे? नाही, मी पार्टीचे नाव सांगत नाही, कारण हां माझा अन्याय झालेला आहे। हे त्यांनी अन्याय केला म्हणून MM सोडणं? नाही, म्हणजे काय माहिती आहे का, MM सोडणं म्हणजे MM चे कारण नाही, म्हणजे पार्टीमध्ये असताना झालं, पण MM चे जे नेतेगण मला सपोर्ट केले नाही म्हणत नाही मी, परंतु काही लोकांची अशी हे झाली की MM मध्ये असल्यामुळे खोटे केसेस होतात, त्रास होत आहे, तकलीफ होते, ऐसा हमारे कुछ लोग का कहना है, हमारे घरवालों का, रिश्तेदारों का। तो वैसे में कुछ अभी जैसा सपोर्ट मिलना वैसा नहीं मिला मेरे को। हाँ, पूरी तरह नहीं बोल रहा, नहीं मैं पूरी तरह निगलेक्ट नहीं हुआ। असद साहब, अकबर साहब का साथ भी था, और जो अभी खासदार बने इम्तियाज जलील, उनका भी साथ था। वारिस पठान जब पहले आमदार थे, उन्हें भी यहाँ सोलापुर में आते थे, कार्यक्रम लेते थे। तौफिक भाई, जे कहीं शहर अध्यक्ष पुनः निवडले गए त्याच्यावरन कहीं नाराजगी झाली का? होय, उसमें क्या हुआ, मैं केस के सिलसिले में बाहर गाँव में था, तो उन्होंने अभी जब विधानसभा के वक्त शादी को टिकट दिए, मैं समझ सकता कि आसा साहब की मजबूरी है, हालात है, तो मैं यहाँ सोलापुर में नहीं था, मेरे पर केस हुई थी बोलकर बाहर गाँव में था मैं, तो मैं समझ सकता कि उम्मीदवार विधानसभा का दिए उन्होंने, मैं मानता नहीं। मेरे पास आए, मुलाकात लिए, मेरी मंजूरी भी लिए, मैं उन्हें यस बोला, कार्यकर्ते सब जोड़ को भी दिए, काम भी हुआ। लेकिन शहर अध्यक्ष का जो बात थी, शहर अध्यक्ष पद नहीं बदलना था उन्होंने, शहर अध्यक्ष पद नहीं बदलना था। कुछ नगर सेवक मेरे पास आकर मुलाकात भी लिए थे, बात भी हुई थी, तो मैं उन्हें यह बोला था थोड़े दिन रुको, मैं आने के बाद तुम आमने सामने तुम बताओ, फिर तुमको जो डिसीजन लेना है लो। लेकिन वैसा नहीं करते हुए उन्होंने जानबूझकर अब विधानसभा टिकट तो नहीं दिए, मैं मानता मजबूरी थी या मैं नहीं था स्पॉट की जगह पर नहीं था, शहर अध्यक्ष पद तो नहीं बदलना था, पेंडिंग रखना था उन्होंने। शहर अध्यक्ष पद बदलने से हमारे मेरे नज़दीक के लोगों में, कार्यकर्ते में, दोस्तों में, नगर सेवक में नाराजी हुई, टेंशन हुआ, ये दूरियाँ बढ़ती गई। देखो तो भाई, आणखीन एक कारण असं होतं का की तुमच्या घरच्या मंडळींना तिकीट देण्यात यावं विधानसभेचं शहर मध्यमधनं, अशी एक चर्चा निवडणुकीच्या दरम्यान होती की तुम्हाला नाही तर तुमच्या घरच्यांना तिकीट मिळावं अशी एक होती, ती सुद्धा तुमची अपेक्षा होती का? होती की, म्हणजे ती पण एक नाराजी आहे का तुमची? मी काय म्हणलो, तो ठीक आहे मला नाही तर ना माझ्या घरच्यांना द्या, हां त्याने पण ते नाही म्हणले। सहानुभूतीचा फायदा झाला असता? सहानुभूती फायदा झाला असता। ती पण एक नाराजी आहे का तुमची तशी? हाय, थोडीफार आहे।
तो भाई आता विषय असा येतोय की जे काही एमआयएमचे आता शहर आणि जिल्हा अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी सुद्धा आम्ही खुली चर्चा या कार्यक्रमात संवाद साधला होता आणि त्यांचं एक म्हणणं असं आलेलं होतं की तौफिक भाई जे आहेत ते अजूनही राष्ट्रवादीमध्ये तसे गेलेले नाही आहेत, लिगली नाही गेले. हां, तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही तौफिक भाई शेख हे जे आहेत ते एमआयएममध्येच आहेत, तर अजूनही म्हणजे जोपर्यंत ते राष्ट्रवादीमध्ये जात नाहीत, अधिकृतरित्या त्यांचा प्रवेश होत नाही, तोपर्यंत ते आमचेच आहेत आणि निश्चितच आम्ही तोपर्यंत त्यांची आशा सोडलेली नाही असं म्हण ते म्हणत होते. हे जे त्यांचं वक्तव्य आहे ते कशा पद्धतीचं आहे, म्हणजे यातून काय वाटतं? खरं तर एक छोटीशी आपण विश्रांती घेऊ या ठिकाणी आणि त्यानंतर हे प्रश्न जाणून घेऊयात की एमआयएमचे जे शहर अध्यक्ष आहेत ते अजूनही म्हणतात की तौफिक भाई शेख यांच्याविषयीचा आशावाद जो आहे तो अजूनही आम्ही सोडलेला नाही आहे, ते निश्चित आपल्या निर्णयाचा विचार करतील असं ते म्हणलेत. ब्रेकनंतर आपण पुन्हा एकदा चर्चा करू. खुली चर्चा कार्यक्रमात ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं स्वागत. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी प्रश्न असा होता की इथंच आपल्या या खुली चर्चेच्या व्यासपीठावरती एमआयएमचे शहर अध्यक्ष जे विद्यमान आहेत ते आलेले होते आणि त्यांनी असं सांगितलं होतं की अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या जर पाहिलं गेलं तर तौफिक शेख हे एमआयएममध्येच आहेत आणि जोपर्यंत ते राष्ट्रवादीत अधिकृत प्रवेश करणार नाही तोपर्यंत ते आमचेच आहेत. तौफिक भाई हे म्हणणं काय वाटतं? बरोबर आहे तुम्ही काही ना की अभिचा कामाला राष्ट्रवादी पाठिंब प्रवेश कामा मैं अभी भी एमआयएम का नगरसेवक है और महापालिका में जो काम होता है हमारे वार्ड में जो काम होते हैं एक नगरसेवक के नाते काम होते हैं और नगरसेवक के पीछे एमआयएम पार्टी का लेबल है. नाही पण एक तांत्रिकदृष्ट्या तुम्ही आहात मनाने, तर आज तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये तर आज राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावरती तुम्ही दिसता. दुसऱ्या बाजूला थोडंसं आपण मागं जाऊन जर पाहिलं, आत्ता एक आपला महत्त्वाचा आणखीन एक तो मुद्दा समोर येतो आहे की जेव्हा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होती, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होती, तेव्हा नगरसेवक तौफिक शेख यांनी एक पुढाकारानं दोन्ही म्हणजे जिथं आपण महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून जे आहेत तर त्यांच्यासाठी प्रयत्न केलेला होता. बरोबर. आणि मला वाटतं त्याचा एक चांगला परिणाम सुद्धा समोर आलेला होता. तांत्रिकदृष्ट्या जर पाहिलं गेलं तर कागदावरती एक एमआयएमचे नगरसेवक साहेब सुनतो उस वक्त शिक्षक मतदारसंघांमध्ये पदवीधर मतदारसंघांमध्ये वहां पर महाविकास आघाडीचे उमेदवार थे दो, एक अरुण गणपती लाड, दूसरे अपना शिक्षक मतदारसंघ के उम्मीदवार थे. तो वहाँ एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, इसलिए जब महाविकास आघाड़ी के नेते लोग हमारे पास आए कि भाई सोलापुर में के हमारा इलेक्शन चालू है शिक्षक का पदवीधर का, तो आप हमें सपोर्ट दो, पाठिंबा दो. संजय मामा शिंदे रंदे राष्ट्रवादी के नेते गणपति लाड़ साहब, अरुण गणपति लाड़ साहब, उनके जो लोग आए थे हमारे पास, तो फिर हम बोले कि भाई हमारे पार्टी का तो उम्मीदवार नहीं है, तो चलो महाविकास आघाड़ी को हम सपोर्ट देंगे, साथ देंगे बोलकर पूरे शहर जिले के जितने हमारे संपर्क के लोग हैं, जो टीचर है, शिक्षक है, जो पदवीधर है, जो ग्रेजुएट है, तो उनको हम मीटिंग लेकर चर्चा कर महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट दिए, पाठिंबा दिए, उनका दिल से ईमानदारी से काम भी करे और उन्हें चुनकर भी लाए. त्यामध्ये एक मोठं योगदान देखील आपलं एक राहिलेलं होतं या सगळ्या गोष्टीमध्ये. बरोबर. पण आता जे यांचं म्हणणं आहे की अजूनही आम्ही तुमचा नाद सोडलेला नाही आहे, म्हणजे अजूनही तुम्ही परत येऊ शकाल नाही, कोणचे आपले हैदराबाद के नेते रेंदे, सोलापूर के रेंदे, कोण चर्चे वाजते नाही, आमको बोलाई नाही, नाराजी घ्यावी नाही, पूछे या समजायची कोशिश नाही करे. तौफिक भाई, म्हणजे तुम्ही जेव्हा हे सगळ्यात एवढा मोठा निर्णय घेतला की राष्ट्रवादीमध्ये जायचा आणि तुम्ही तशी तयारी देखील सुरू केली, एमआयएमकडनं तुम्हाला थांबवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत का कुठे? नाही झाले. कुणी म्हणजे शहर अध्यक्ष असतील किंवा हैदराबादचे नेते असतील, कुणी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत त्यामध्ये? नाही, प्रयत्न पण झाले नाही, आले पण नाही, विचारले पण गाठभेट पण घेतले नाही. ते पैलवानांच्या बाबतीत प्रॉब्लेम काय होता म्हणजे? मला काय माहिती नाही, एमआयएमचा एक प्रॉब्लेम काय होता किंवा प्रयत्न तुमच्या बाबतीत का नाही झाले? कारण एक एवढं मोठं नेतृत्व, स्थानिक नेतृत्व जेव्हा एमआयएम सोडायचा निर्णय घेतं तेव्हा हालचाली ज्या अपेक्षित होत्या त्या का झाल्या नाहीत असं वाटतं तुम्हाला? शहर अध्यक्ष निवडी की टेम्पर जो हमारे कार्यकर्ते जो विरोध करे वो जो उनको खराब ले जा रहे हैं, इसलिए बाद में अभी कैसा कार्यकर्ते की उनकी उनकी सोच थी कि तौफिक शेख कैसे रहेंगे पद के ऊपर, बाद में देखेंगे डिसीजन लेना, वो हिसाब से फिर बाद में किसका निरूप भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, या बैठने के बारे में समझाने के बारे में किसका खुलासा वगैरह बात भी नहीं हुई मेरे साथ. अब इसलिए तौफिक भाई, तुम्ही जेव्हा हे सगळं एमआयएम हँडल करत होता सोलापुरातलं आणि आताचे एमआयएम, या दोन्हीमध्ये तुम्हाला फरक काय वाटतं? दुसरे के बारे में नहीं बोलने का, टीका टिप्पणी नहीं करने का,
नई जिंदगी के ऑफिस में बैठता था, मीटिंग लेता था, सबको भरोसे में लेकर काम करता था, हर निवेदन देते थे। और कैसा मालूम क्या, जिस किसी काम की पद्धति रहती है और हर एक इंसान का सोच रहती है, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूँगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा जो पटा मैं करूँगा, तुमको जो अच्छा लगेगा तुम करो। खाली मेरी नीयत क्या है मालूम क्या, कि राजकारण कम करना, समाज सेवा ज़्यादा करना, लोग की मदद करना, खिदमत करना, ये मेरे खून के अंदर है। ये हमारा जो ताज खानदान का जो खून है उसके अंदर गरीबों को, मजलूमों को, मासूमों का मदद करना, खिदमत करना मेरी ऐसी जितनी है, जितनी मेरी ताकत है वो सबसे मैं हर इंसान को मदद करता। मैं कोई बड़ा पन नहीं करता, दिखावा नहीं करता, मैं गरीब कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा इंसान हूँ, मैं पतरे के घर में रहता हूँ, मैं बड़ा इंसान नहीं हूँ, गरीब ने बड़ा श्रीमंत नहीं हूँ, मैं गरीब छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये मेरी बात ऐसी है। कुछ लोग सिर्फ बहाना होना, जो मेरे से नाराज़ है, जो मेरे विरोध लोग है, कुछ भी ऐसा कुछ मैसेज आया, कुछ व्हाट्सएप पर आंदे, चाहे कोई पत्रकार मुलाकात लेंदे, सिर्फ बहाना होना, टॉपिक शेख का विरोध करना, ये कुछ लोग की सोच रहती, वो करते रहेंगे, मेरे को क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गलत बात नहीं करे सोई और करूँगा भी नहीं। और अल्लाह ताला को मालूम है मेरी नीयत क्या है, मेरा काम क्या है। मेरी सोच नीयत ये है, राजकारण कम करता, समाज सेवा ज़्यादा करता, आवाम की, लोगों की मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मैं अगर कौन सी पार्टी में नहीं भी गया तो मरते दम तक लोगों की मैं खिदमत करते रहूँगा, ये मेरी नीयत है, मेरी सोच है। मैं अजूनही तुम्हाला टार्गेट केलं जातं का तौफिक भाई, म्हणजे अजूनही राजकीय दृष्ट्या म्हणा ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणता मी एमआय मध्ये होतो तेव्हा टार्गेट होत होतो, पण आता सुद्धा अजून सुद्धा भी कुछ लोग की सोच क्या रहती है, कि फलाना हमारा भला नहीं करे, हमको साथ नहीं दिया, या हमारे दूसरे लोग को साथ दिया। और कुछ लोग क्या कर रहे मालूम क्या, कुछ लोगों को दिशा भूल कर भड़काने का, गलत फहमी करने का, पैसे से खरीद करने का काम चालू है। ऐसे कुछ लोगों मैं इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तो उनको ये बोलूँगा कि भाई मैं आपको क्या बोला, अभी मैं गरीब कार्यकर्ता हूँ, मेरी नीयत ये है कि लोगों को साथ लेकर चलना, अच्छा काम करना, राजकारण कम करना, समाज सेवा ज़्यादा करना, ये मेरी नीयत है, मेरी सोच है। देखो नहीं, एक तौफिक भाई ना संपवण्याचा प्रयत्न होतो आहे राजकारणातनं, मग राजकारणातनंच कुठतरी बाजूला तुम्ही सरकावेत असा प्रयत्न होतो आहे। हाय हाय, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है पूरे शहर में, जिले में। नहीं, प्रश्न तेच आहे तौफिक भाई, मग हे करताय कोण? अभी है मालूम पड़ेगा आपको बाद में खुला शिवर। नहीं, पण एक तुमचा रोग कोणाकडे आहे, तो हे सगळे जे करणारे लोक आहेत, की जेव्हा तुम्ही थेटपणे असं म्हणता की मला संपवण्याचा कुठतरी हा साजिश चल रही है, डाव चल रहा है, लेकिन मेरे को क्या भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरा अकीदा अल्लाह की जात पर है, अल्लाह की जात पर मेरे को पूरा भरोसा है, इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत देने जात अल्लाह ताला की, इंसान कार्य करते कौन भी कुछ नहीं कर सकते, मेरा अकीदा अल्लाह की जात पर है। मेरे को कितनी भी तकलीफ होने दे, टेंशन दे दे, मैं समाज सेवा, अच्छा काम मरते दम तक करते रहूँगा इंशाल्लाह। नहीं, पण अजूनही कोणाचे प्रयत्न होत आहेत तो भाई, जेव्हा तुम्ही आता हा सगळा, किसी का नामच नाही लूंगा, अभी बहुत लोग की साजिश चालू है, दिशाभूल चालू है, मेरे बारे में भड़काने का काम चालू है, पूरे हर एरिया में चालू है, पूरे शहर में चालू है। और मैं आपको क्या बोल रहा, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग गेम खेल रहे, साजिश कर रहे हैं, उनको भी तो मालूम है कि टॉपिक फलान क्या चीज़ है। सो मैं किसी को डरता नहीं, सो अल्लाह ताला के जो हक बात है, सही काम है, मैं करते रहूँगा इंशाल्लाह। नहीं, पण एक तौफिक भाई तर एक आक्रमक नेतृत्व आहे खरं बघितलं तर, पण तरीसुद्धा एवढी सामंजस्याची भूमिका कशी काय आज तुम्ही घेताय, आणि ह्या लोकांना उत्तर देणं आपण जे म्हणतोय, आपण उत्तर देणं जे म्हणतोय, मग ते आपण शाब्दिक असेल, अशा पद्धतीने उत्तर तुम्ही त्या लोकांना का देत नाही आहे की जे प्रयत्न करत तुमच्यावर? नाही, ओ मॅडम, जो लोग मेरी मुलाकात देखी आहे उनको मालूम रहेगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा, क्या बोल रहा। सो पण असे ही लोक साहब, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा मालूम क्या, खुलकर मैं बोलना नहीं चाहता, जो लोग मेरी मुलाकात देखेंगे उनको समझ में आ रहेगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा। और मैं उनको मेरा आह्वान है, आप बिंदास मेरा बुरा सोचो, क्या भी सोचो, कौन इंसान बुरा चाहने से बुरा नहीं होता, अल्लाह ताला चाहना पड़ता। और मेरा अकीदा अल्लाह, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा अकीदा अल्लाह की जात पर है, जो मुकद्दर में लिखा है इंशाल्लाह वो बात में तैयार हूँ, जो तकदीर में लिखा है, जो मेरे साथ होंगे अच्छा होंगे बुरा होंगे, जो अल्लाह ताला जो मंजूर है वो मुझे कबूल है। तौफिक भाई, भाजप शिवसेना असे तर पक्ष तुमच्या विरोधामध्ये काही कारस्थान करणार नाहीत, काही नाही, काय तुमचं एमआयएम आणि तुम्ही तर राष्ट्र जात आहे, मग राहता राहिले दोन पक्ष की जे एमआयएम आणि काँग्रेस आहे, प्रयत्न तुमच्या बाबतीत कोण करते, तुमच्या विरोधामध्ये आज कोण उभारलंय, जे तुम्हाला राजकारणात बाजूला काढण्याचा प्रयोग आहे, जो कुछ मेरे साथ थे या कुछ लोग नाराज हुए, या सिर्फ उन्होंने बहाना होना नाराजगी का,
ये करने का, हर चीज़ का। दूसरे लोग को सपोर्ट मिलने के बाद वो सपोर्ट देने वाला आदमी उनको गलत फहमी कर रहा है, सोए बहका रहा है, भड़का रहा है, गलत फहमी कर रहे सोए। क्या चलता है ये राजकारण होते रहता तो शेवटी आला डोकं शांत ठेवूनच उत्तर दे। डोकं शांत रहना, सबर करना, इसमें मेरा भी भला है, सामने लगा भी तो भला है इसके अंदर। शांत रहना, सबर करना, मैं आपको बात रिपीट कर रहा हूँ, शांत रहना, सबर करना, इसमें फायदा मेरा भी है, सामने लगा भी है। तो तुम्ही संयम ठेवून आहेत अजून पण? हां ओके, हां संयमच रखने आला। तोपी भाई शेवटी हे संयम तुम्ही ठेवला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी निवडली, राष्ट्रवादी काँग्रेसच का निवडली गेली यामध्ये? मैं एक एम आय एम वेगळं आणि मध्यंतरी आम्ही अशी देखील एक चर्चा आमच्या समोर होती की एक भाऊ काँग्रेसमध्ये आहे तेव्हा दुसऱ्या भावांना सुद्धा काँग्रेसमध्ये घेण्याचे काही प्रयत्न होत होते, पण तुम्ही मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच निवडली। मेरे कान तक बात आई थी, सुनने आई थी, लेकिन एक दो चार लोग जो बोले वैसा फाइनल बैठक भी नहीं हुई, क्या भी नहीं, सिर्फ चर्चा हुई कि आप वापस कांग्रेस में अवल कर। बोला नहीं भाई, मेरा भी इरादा नहीं, मैं एमआईएम में छूँ, वक्त है, पीछे सोचेंगे देखेंगे बोलकर मैं बात को रुकाया उधर से। फिर अभी कैसा है, शरद पवार का जो काम है, पवार साहब का जो सेकुलर पार्टी है, हर धर्म के लोग को लेकर चलते हैं, उनका जो काम है, काम करने की जो पद्धत है, पवार साहब रहेंदे, अजीत दादा पवार साहब रहेंदे, सुब्रता सुड़े, जयंत पाटिल साहब, या उनके जितने मंत्रीगण है, या हमारे जितने जिले के आमदार है, जैसे संजय मामा हो, दिगर शहर अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, जितनी भी पूरी टीम है, ये सब को लेकर चलते, अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा अभी कुछ लोग का प्रवेश हुआ, आप बोले वैसा कुछ लोग का प्रवेश हुआ, कुछ लोग का जो बाकी है, जो वक्त आने पर आपको मालूम पड़ेगा, पूरे मीडिया में भी आएगा कि कौन प्रवेश करे, नहीं करे, कब करे, बाद में करे, आचार संहिता होने की बात करे कि इलेक्शन के पहला करे, क्या कब हुआ, ये पूरा पत्रकार लोग को, चैनल वालों को पूरा मालूम रहता, और आपके सामने पूरी बात खुलासे पर हुएंगी। तो जिस तरह आपने बताया कि राष्ट्रवादी क्यों चुने, ये सेकुलर पार्टी है, जिस तरह रमजान के महीने में जो पार्टी भी सत्ते में थी, तो हमारी जो ईद है रमजान की, वो उसमें जो लॉकडाउन की वजह से पूरा लॉकडाउन था, तो हमारे कुछ जमात उलमा के लोग हो, तैरबिंग मौलाना आरिफ भाई शेख, शकील भाई मौलवी, दीगर हमारे कुछ शहर काजी साहब, रापे काजी साहब, ये शिष्टमंडल मिलकर पालक मंत्री को निवेदन दिए कि भाई हमारा ये रमजान का ईद है तो हमें सहूलत दो। सहूलत दो बोलकर दो दिन के बाजार की जो सहूलत मिली, ये राष्ट्रवादी के कुछ नेते मंडली मंत्रीगण ये हमारे संपर्क में थे, उनका हमारा संबंध रिलेशन अच्छा था बोलकर, तो उन्होंने कायदे के अंदर रहकर एक दो दिन का जो बाज़ार खोलने में सहूलत दी है, मैं उनका आभार मानता हूँ। और चांद रात के दिन जो दूध और शुरकुंभी के लिए दूध लगता हमारे ईद के दिन, वो दूध का भी जो तीन घंटे का जो सहूलत दिला है पालक मंत्री महापौर ताई अमोल बापू शिंदे, महेशन्ना कोटे, या महापालिका, सब गट नेते लोग मिलकर, पालक मंत्री उस वक्त मीटिंग में आए थे, फिर कलेक्टर साहब भी थे और महापालिका आयुक्त साहब भी थे, सब हमारा पूरा शिष्टमंडल पूरा मिलकर वो दूध का भी जो परमिशन दिले, ये कैसा है, सबका एक साथ, सबका सपोर्ट रहे, इसमें काम नहीं होता और सबको लेकर चलना पड़ता है। इसलिए अभी हमारे लोगों के शहर के वार्डों के विकास होना, गरीब लोग के काम होना, ऐसी हमारी नीयत है, हमारी सोच है, तो इसलिए राष्ट्रवादी का हम पर्याय चुन रहे सोए। तो भी भाई खरं तर म्हणजे आता एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे असा की तुमची एक प्रतिमा सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये अशी एक सोलापूर शहर जिल्हा कशाला आपण म्हणूयात की अगदी आपण मध्यंतरी पाहिलं की एक मोठ्या प्रमाणात तुमचे समर्थक तुमच्यावर येताना आपल्याला दिसले, तुमची एक प्रतिमा अशी झाली की मुस्लिम समाजाचे प्रश्न हाताशी घेऊन आक्रमकपणे लढणारा नेता अशी म्हणून तुमची एक इमेज तयार झाली आहे, राष्ट्रवादीमध्ये असं तुम्हाला शक्य होईल का काम करणं? राष्ट्रवादीमध्ये शेवटी एक काम आहे, कोशिश करणार, राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने काम करणं शक्य होईल असं वाटतं का? कारण तुम्ही प्रत्येक वेळेला आपण पाहतो की मुस्लिम समाज कुठले प्रश्न असतील तर तुम्ही पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरत असता, बरोबर, तर राष्ट्रवादीमध्ये ही अडचण येईल असं तुम्हाला वाटतं का काही? नाही नाही, काँग्रेस पार्टी में भी था, हमारे कुछ काम नाही बोलकर मैं काँग्रेस पार्टी को राजीनामा दिया, ये पूरे सोलापुर को मालूम है, पूरे मुस्लिम समाज को मालूम है। वैसा तो अभी हम देखो, अभी वहाँ था पी एम आई में आया, अभी यहाँ भी अभी तो प्रवेश नहीं हुआ, अभी हमारा अभी इसको वक्त है, सिर्फ कोशिश है, काम है कि जो भी पार्टी सत्ते में है, हाँ समाज के वास्ते, कौम के वास्ते, गरीबों के वास्ते,
मैं वहाँ पर अर्ज निवेदन लेकर जाते रहूँगा, उनके काम करते रहूँगा। अगर वहाँ और उनको मालूम है, पूरे नेतृत्व को मालूम है मेरा स्वभाव क्या है, मेरी आदत क्या है, मैं एक बार दो बार बोलता, नहीं तो आक्रामक भूमिका लेना पड़ता काम करने के वास्ते। अगर वहाँ भी अगर नहीं हुआ तो सोचेंगे बाद में फिर। मैं अड़चण येणार नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये, जो तुमचा स्वभाव आहे, जी तुमची भूमिका आहे, कारण लोक तुमच्याकडे, समाजाचे लोक तुमच्याकडे याच नजरेने बघतात की समाजाचे प्रश्न मिटवून समस्या सोडवणारा नेता म्हणून कोशिश करेंगे ना। अभी देखो जो काम होणे, कारण शेवटी एक आहे, आपण अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न बघतोय की मोठ्या प्रमाणात येतात, बरोबर, म्हणजे आधी रोजीरोटीपासूनचा सगळाच प्रश्न येतो, तर अशा प्रश्नाची सोडवणूक करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही अडचण येईल असं वाटतं का तुम्हाला? नाही, अभी अडचण तर नाही, कारण की जो हमारे नीचे के जो हमारे साथ है मेरे, जैसे मैशन्ना कोटे हो, दिलीप भाऊ कोल्हे, भारत जाधव साहब, संतोष भाऊ पवार, संजय मामा शिंदे, जो मेरे नजीक के लोग हैं, ये मेरे नजीक के संपर्क के अंदर है, क्योंकि इनको भी मालूम है मेरे काम की पद्धति कैसी है, मेरी आदत क्या है। मैं खुद का कभी व्यक्ति कभी काम नहीं लेकर गया, हाँ लोगों की अड़चन, गरीब लोगों की समस्या वो लेकर जाने वाला, और ये नीचे के जो हमारी टीम है, मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है, ये लोग पूरे मुझे साथ देंगे, और जो ऊपर नेता मंडल मंत्रीगण पास जो भी काम रहेंगे, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ, हम काम करने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी अगर काम नहीं हुआ तो जो सही बात है, सच है, हक है, वो बात पर मैं अटल रहूँगा। तो भाई पालिकेच्या प्रश्नावरती आपण येतोच आहे, पण एक तुम्हाला कुठलं राष्ट्रवादीचं नेतृत्व आवडलं म्हणून तुम्ही त्या पक्षात गेलात? आता आपण ते म्हणजे अजून गेला नाहीयेत, म्हणजे तांत्रिक तुम्ही एमआयएम मध्येच आहात, पण शेवटी राष्ट्रवादीचं नेतृत्व तुम्हाला असं कोणतं आवडलं की ज्याच्यामुळे तुम्ही एवढे प्रभावित झाला आणि त्या पक्षामध्ये प्रवेश करताय तुम्ही? पवार साहब का जो काम है, जो गरीब से गरीब कार्यकर्ते का वो नाम पहचानते, नाम जानते, और कार्यकर्ता तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो पवार साहब उनके घर वालों को फ़ोन के ऊपर बात कर कर ये करते हैं। अब जिसकी जिंदी मिसाल है, हमारे माजी आमदार इन्नू सुबह शेख पंजाब ताली में पीछे रहते थे, जब इन्नू सुबह शेख की मैयत हुई, वो सीनियर थे, माजी आमदार थे, पवार साहब के नज़ीक थे बोलकर पूरे शहर में चर्चा थी। जब इन्नू सुबह की मैयत हुई कोविड के अंदर, तो पवार साहब एक सीनियर, एक बुजुर्ग बोल तो सीनियर बोलते उम्र वाले नेता रहकर, एक उनका माजी आमदार, एक कार्यकर्ते बोलो, दोस्त बोलो, जो भी रहेंगे, न्यूज़ भाई एक माजी आमदार, तो उनके वास्ते उनके घर पर मिलने के लिए आए मैयत होने के बाद, एक ऐसा हमदर्दी, एक चाहत रखने वाला वो नेता है, ये आधा हमें पसंद है इस वे। और पवार साहब गरीब कार्यकर्ता को उठा कर लेते, उन्हें साथ देते, सपोर्ट देते, चाहे सत्ते में रहन दे चाहे नहीं रहन दे, ये आदत और काम की जो पद्धत है, कभी जाति पात नहीं करते इन्हें, पवार साहब रहने दे, उनकी पूरी मंत्रिमंडल रहने दे, जो कार्यकर्ते का सुनते और सुनकर मैं सब देखा, पवार साहब हो, अजित पवार हो, जयंत पाटिल साहब रहने दे, तो जब कोई व्यक्ति उनके पास काम लेकर आता, निवेदन लेकर आता, तो वो देख कर ताबड़ तो वो अधिकारी को फ़ोन लगाते, और वो काम लेकर ऐसे वाले इंसान का काम पूरा होता। तो भाई हे तुम्ही सांगितलं, याचबरोबर एक आपल्याला दिसून येतं की शेवटी कार्यकर्त्यांची भावना कशा पद्धतीचे जे तुमच्या बरोबरती आहेत, कारण आपण राष्ट्रवादीचा तो मेळावा पाहिला तर मोठ्या प्रमाणात तिथं कार्यकर्ते होते, खरं तर एक वेगळी बातमी पण झाली की त्याविषयी कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी सगळी झालेली होती, तर तुम्ही जेव्हा सगळे राष्ट्रवादीचा विचार करताय, तुमचे जे समर्थक आहेत, तुमचे जे सगळे कार्यकर्ते आहेत, तर त्यांच्या मनामध्ये कोणती भावना आहे की तौफिकभाई जाऊन निर्णय घेतील आम्हाला मान्य, आम्ही तुमच्या बरोबर असं आहे का? कुछ लोक का कहना ऐसा आहे, कुछ लोक का कहना ये आहे, एमआयएम पार्टी मत छोडो, एमआयएम पार्टी मरो, जो यंग ग्रुप आहे, जो नौजवान साथी आहे हमारे, उनका कहना ये चाहिए की आप एमआयएम में चलो, बाद में देखेंगे क्या करना, क्या डिसीजन लेना। और जो मीडियम वर्ग है, जो बुजुर्ग लोग है, उनका कहना ये है भाई तौफिक से कोई क्या तकलीफ है, उसके काम होते नहीं होते, या उनका डिसीजन लेना सही है गलत है, तो अगर डिसीजन सही रहेगा तो हम उनके साथ है बोलकर, ऐसे बड़े लोग का कहना है। और यंग लोग का जो कहना है कि आप अभी भी एमआईएम पार्टी में रहो, तटस्थ रहो, बाद में देखेंगे। अभी देखो उसमें मैं अगर पार्टी जो भी चेंज कराया तो सभी पूरी हमारी टीम न्याय ले ली, उसमें आधे लोग जाके वहाँ रहने वाले, थोड़े मेरे साथ आने वाले, थोड़े तरस रहने वाले, ये हर एक की सोच, हर एक के विचार का या काम करने की पद्धति अलग रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबको हम समझेंगे, बात करेंगे, राय मशवरा करेंगे, जब भी हमारा प्रवेश रहेगा सबका सलाह विचार लेकर, और इंशाल्लाह हम दूसरी पार्टी में प्रवेश करेंगे। मात्र तुमचा आज निर्णय पक्का है? पक्का है, राष्ट्रवादीचा निर्णय हा पक्का है तुमचा? वही, वो अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब भी होगा तो राष्ट्रवादी के विचार करेंगे हम।
म्हणजे अजूनही एमआयएमचे जे इथलं नेतृत्व म्हणतं की अजून आम्ही आशा सोडलेली नाही, तर त्यांना जागा आहे तसा विचार करायला. बरोबर की तौफिकभाई, महानगरपालिकेमध्ये आपण पाहतो म्हणजे आता एक नगरसेवकां म्हणजे अंतर्गत एमआयएमच्या राजकारणसुद्धा बरंच चालतं, म्हणजे इव्हन अगदी गटनेता निवडीपासून आपण पाहिलं की महानगरपालिकेमध्ये काही राजकारण झालं. हे सगळं चित्र महानगरपालिकेतलं कसं आहे? तिथंही म्हणजे या तुमच्या सगळ्या नगरसेवकांमध्ये एक वाक्यता आहे का हमारी नाराजी, गटनेता रियाज खरादी त्या पर दुसऱ्या बाजूला स्टँडिंग कमिटीसाठी रियाज खरादी यांनी आपलं नाव देणं, त्याच्यावरनं काही गोष्टी घडलेल्या होत्या, हे सगळं चित्र तिथं नेमकं काय? हमारी नाराजी जो है घर के अंदर है, महापालिके के बाहर है. जब भी महापालिके का मसला आता, जनरल बोर्ड रहता, रियाज खरादी रहते, भंडाल यापा रहते, वादा अभिषेक रहते, आजहर रहते, गाजी रहते, या सब के हम साथ है. हमारे जितने पार्टी के नगर सेवक है, जब भी बोर्ड मीटिंग रहेंगी, अगर प्रश्न उठाने का रहेगा, आवाज़ उठाने का रहेगा, तो हम सब मिलकर आवाज़ उठाते, हम सब मिलकर बोर्ड में बैठते, हम सब मिलकर अपने अपने एरिया के वार्डों के प्रश्न समस्या हम चुनाने की कोशिश करते सब मिलकर. तो भी भाई, महानगरपालिका निवडणूक आहे, एक 8-10 महिन्याचा वर्षभराचा कालावधी लागेल असं वाटतं, कशा प्रकारचं तुम्हाला चित्र दिसतं आहे आणि एक तुमची तयारी कशा पद्धतीने सुरू आहे? क्या नहीं, अभी महापालिके को अभी टाइम आए, तो जो भी हमारा इरादा रहेगा, जो हम जो भी पार्टी में जाएंगे, तो हमारे जो सोलापुर के महापालिके के सीनियर लीडर रहेंगे, जितने हमारे साथ रहेंगे, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि महानगर पालिके में हमारी सत्ता कैसे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसा चुन करेंगे, फिर अगर नगर सेवक कम पड़े तो किसका सपोर्ट लेना, किसी का साथ लेना. ये अभी मेरे तो अकेले हाथ में नहीं है. अभी आपको मालूम है कि हमारे सीनियर महापालिके के कौन लीडर है, मैशन्ना कोटे हो, उनके साथ ही रहते हैं, तो वो सब मिलकर राय मशवरा करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह महानगर पालिके में हमारे गट के, हमारे पार्टी के नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और हमारे महापालिके में महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन ये रहेगा, ऐसे हमारी सोच रहेंगी. और सोलापुर शहर में विकास होना, लोगों को पानी रोज़ नहीं तो नहीं, एक दिन आर तो मिलना, ये हमारी कोशिश रहेंगी, हमारी सोच रहेंगी. अभी आज के तारीख में हाथौड़ भाग के अंदर हमारे सिटी का तो मालूम नहीं, सिटी में भी चार पाँच भाग में 4 दिन पूरे होने के बाद 5वें 6वें दिन पानी आता, और वो भी अगर टाकड़ी की पाइपलाइन फूटी, सोरेगो की तो फूटी, तो पीएचई के जो लोग है वो मुलाकात देते, पेपर में डालते, पानी एक दिन लेट आना रहे, उशीरा आना रहे, लेकिन वहाँ की समस्या क्या है, अड़चन क्या है, हमारे जो माँ बहने हैं जो पानी रात में देर से भी आता, 11 बजे 12 बजे 1:30 बजे 2 बजे, ये जो अभी लोक सत्ता के अंदर है, इनको नियोजन नहीं है, प्रशासन के ऊपर इनका अंकुश नहीं है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा. तो भाई, शेवटी एक कार्यकर्त्यांना तुमचं सांगणं काय, जे समर्थक आहेत तुमचे, जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना एक सांगणं कशा पद्धतीचं आहे? क्या ने देखो, अभी कार्यकर्ते को दोस्तों म्हणजे जी भूमिका आज तुम्ही घेतली किंवा ज्या निर्णयापर्यंत तुम्ही आलात आणि एकंदरीत जे सगळं राजकारण पाहताय, दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला वादात ओढण्याचे प्रयत्न होतातच आहेत, म्हणजे अगदी तुम्ही विधानसभेला काँग्रेस उमेदवाराला काँग्रेस उमेदवारासाठी प्रयत्न केला असं पण एक स्टेटमेंट मध्यंतरी आलं होतं, तर हे सगळे वादामध्ये तुम्हाला ओढण्याचे प्रयत्न होतातच आहेत आणखीन सुद्धा. बाद में भी होनेच वाले, कुछ लोग टेंशन देने वाले, टीका टिप्पणी करने वाले, नाम बदनाम करने वाले, ये मेरी जिंदगी में लगेलाच आहे, ये मेरे देखे नवीन नहीं है. तरी देखील शेवटी मग पहिले से आज 15-20 साल हुआ, 20-25 साल हुआ, हर तकलीफ का सामना करते आए और अल्लाह ताला मुझे बचाते हैं, ऐसे उसमें रास्ता निकालते हैं अल्लाह ताला. राजकीय रहने, बाहर के लोग रहने, मुझे तकलीफ देना, टेंशन देना, झूठे केस में गुताना, परेशान करना या तकलीफ में डालना, ये होते हैं सब आज तक, लेकिन मैं कभी डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, अल्लाह ताला इसमें रास्ता निकालते हैं, ऐसे मुझे बचाते हैं, ऐसे अल्लाह जात में मुझे पूरी उम्मीद है. तो भाई हेच विचार आहे सर, राजकारणात आणि समाजकारणामध्ये कुठेतरी तुमचं नाव होतं आहे म्हणून हा सगळा प्रयत्न होतो का? बरोबर, वही तकलीफ देना, टेन्शन देना, ये कुछ लोग की सोच नहीं है. कार्यकर्त्यांना काय सांगण्यात तौफिक भाई, कार्यकर्ते समर्थक तुमचे आता जे तुमच्या बरोबरती आहेत किंवा ज्यांना तुम्ही म्हणताय की जे म्हणतात की थोडीशी भूमिका तुमची आम्हाला काही मान्य नाही वगैरे, या सगळ्यांसाठी म्हणून तुमचं सांगणं काय? कार्यकर्ते को मेरा एक आव्हान आहे, एक गुजारिश आहे की आप सबको मेरी हकीकत पूरी स्टोरी मालूम आहे, पूरे सोलापूर जिल्ह्या को मालूम आहे, महाराष्ट्र को मालूम आहे, कर्नाटक को मालूम आहे, की सिर्फ आपको मालूम आहे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आपको सोच समझ के डिसिजन लो
मैं अगर जो भी डिसीजन लेता रहेगा पार्टी बदलने का, वो अपने लोगों के काम होना, भला होना, विकास होना, हाथ दौड़ भाग का रहेंदे, पूरे शहर का रहेंदे, ये जिले का रहेंदे, ये अपने समाज का रहेंदे, भलाई के लिए, गरीबों के लिए, मदद के लिए जो काम करना मेरी नीयत है, मेरी नीयत देखकर आप साथ दो, बस ये लोगों को मेरा कहना रहेगा, मेरा काम देखकर, मेरी नीयत देखकर, मेरी सोच देखकर आप साथ दो। नगरसेवक तौफिक शेख यांचं हे आव्हान आपण कार्यकर्त्यां समर्थकांना दिलेलं आपण पाहतोय की शेवटी माझे काम करण्याची पद्धत पहा किंवा भूमिका पहा एकंदरीत लोकांसाठी म्हणून, आणि त्याचबरोबर आपल्या वॉर्डातली काही कामं होणं, प्रभागातली कामं होणं, शहराच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी एका विधायक अशा भूमिकेतून आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार करतोय, तर ही जी सगळी भूमिका आहे ती कार्यकर्त्यांनी विचारात घ्यावी। हे सगळं सांगत असताना केवळ राजकारण आणि समाजकारणात आपलं नाव होतं आहे, आपण समाजासाठी आज झटतोय, समाजाचे प्रश्न हाती घेऊन रस्त्यावर उतरतो आणि कुठंतरी आपलं नाव होतं, एक नेतृत्व होतं, आणि हे काही लोकांच्या पचनी पडत नाही आहे, म्हणून सातत्यानं आपल्या विरोधात कट आणि कारस्थान हे होत आलेलं आहे। गेल्या 30 वर्षामध्ये हेच आपल्या बाबतीत घडलेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टींना आपण पुरून उरलो आहे, भविष्यात देखील आपण सगळ्या गोष्टींना उत्तर चोखपणे देऊ असा एक विश्वास या ठिकाणी नगरसेवक तौफिक शेख यांनी केला। आणि कितीही लोकांनी आपल्या विरोधामध्ये कट कारस्थान केली तरी राजकारण आणि समाजकारणामध्ये आपली वाटचाल चालू राहील। कष्टकरी, गोर आणि गरीब यांच्यासाठी म्हणून आपण सातत्यानं लढा देतच राहू, संघर्ष करत राहू अशा प्रकारचा विश्वास तौफिक शेख यांनी या ठिकाणी व्यक्त केला। खुली चर्चा कार्यक्रमात ते सहभागी झाले आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांची एकंदरीत सगळी जी भूमिका आहे ती आपण समजावून घेण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला आणि त्यांनी देखील एक दिलखुलासपणे मनात काही न ठेवता सगळं ह्या गोष्टी आपल्यासमोर मांडल्यात, याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीने मी तौफिक भाई यांचे मनपूर्वक असे आभार मानतो। धन्यवाद। धन्यवाद।